मित्र आइए, यहाँ पर एक अंडा है बिल्कुल सफेद सा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ मॉर्निंग, यानी सुबह का समय है। आई एम ब्रशिंग माय टीथ विद द ट्विग्स ऑफ सखुआ ट्री एंड और दोस्तों मैं मुर्गी के अंडे के तलाश में आया हूँ। कभी कभी कमेंट मिला है मुझे कि जंगल में तो हम लोगों को मुर्गी के अंडे नहीं मिलते हैं, आपको कैसे मिलता है? तो दोस्तों मैं देखना चाह रहा हूँ आज मुझे मुर्गी के अंडे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कृपया आप लोग भी मेरे साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये जंगल में उगने वाला ये जंगली आंवला होता है, उसका पौधा है। लोग इसे काट दिए हैं इसलिए मैं इसमें अभी आंवला, जंगली आंवला नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों आसपास जितने भी जंगली जानवर हैं उसको भगाने के लिए मैं ज़ोर शोर से चिल्ला रहा हूँ ताकि वे लोग मुझे दिक्कत ना दें। दोस्तों मैं आगे बढ़ते हुए दोस्तों इस जंगल में सखुआ का पेड़ का भरमार है। तो दोस्तों ये फिरका का जंगल ये भेड़वा के लिए और प्यार जो फल होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, किंतु मुझे तो अभी फिलहाल मुर्गी ढूंढना है, मुर्गी के अंडे। देखो यह रहा प्यार का फल देने वाला पौधा या पेड़, इसमें लेकिन किंतु इसमें फल नहीं है। तो दोस्तों मैं जिस जंगल में आया हूँ, सिरका जंगल में, यहाँ भेलवा और प्यार एक फल होता है, उस ये दोनों चीज़ों के लिए यह जंगल बिल्कुल प्रसिद्ध है, किंतु मैं यहाँ पे मुर्गी के अंडे ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर वो मिल जाए तो मैं उसे नाश्ते के रूप में खाऊंगा, चाहे कच्चा हो या पका हो। दोस्तों ये रहा एक बोलेंगे सीआर का ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे पता चलता है देखकर कि इस जंगल में बहुत सारे सीआर हैं। दोस्तों ये जंगल में मुझे एक फल प्रदान करने वाला पौधा मिला है और देखिए बिल्कुल छोटे छोटे फल हैं उसके। बहुत ही मीठे फल। चेरी से भी छोटे छोटे और मीठे फल। दोस्तों ये
बिल्कुल सफ़ेद एक पेड़ मिला है जंगल में, इसमें अभी एक भी पत्ते नहीं है। आप लोग बताइए ये कौन सा पेड़ है, इसका क्या नाम है? मैं तो ट्राइबल होकर भी इस पेड़ को का नाम नहीं जानता हूँ। तो बोल बिल्कुल खतरनाक ये चढ़ाई थी, पहाड़ों की चढ़ाई। तो दोस्तों जंगल में मुझे एक अनोखा पेड़ मिला है बिल्कुल सादा सादा, इसके फल को मैं निकाल कर बिल्कुल नज़दीक से देखने के लिए काट रहा हूँ। दोस्तों इसको फल तो कहीं गिर गया जमीन पर। हाँ हाँ मिली है सामने। दोस्तों ये बिल्कुल ही अनोखा फल है लेकिन बिल्कुल कांटेदार, शायद इसके कांटे मुझे खुली देंगे इसलिए मैं इसे छोड़ता हूँ। दोस्तों अभी तक तो मुझे एक भी मुर्गी का अंडा नहीं मिला, शायद इस इलाके में हो सकते हैं मुर्गी के अंडे। अक्सर मुर्गियाँ इसी प्रकार के सूखे पत्ते के बीच में अंडा देती है। अभी तो आइए, यहाँ पर एक अंडा है बिल्कुल सफ़ेद सा। अभी तो माफ करिए, ये अंडा तो ऐसा प्रतीत हुआ मुझे, ये सफ़ेद अंडा है मुर्गी का, किंतु ये तो असल में एक पत्थर है, जिंदा पत्थर। तो दोस्तों ये मुर्गी के अंडे के चक्कर में जंगल पूरा भ्रमण का डाला, किंतु मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ख़राब थी, तो इसलिए मुझे आज मुर्गी के अंडे मिले नहीं। तो दोस्तों फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आज नहीं सही तो किसी और दिन मुर्गी का अंडा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टू न्यू वीडियो सर्चिंग फॉर एग्स ऑफ हैंस सम अदर डे। थैंक यू।